उस सबसे क्या है फिगर तो हम देखो एक्चुअली अभी नहीं इस पर बात करेंगे, अभी कुछ दिन और पढ़ाएंगे। तो रेगिस्तान दो तरह का, एक ठंडा एक गर्म। अभी जो ये टॉपिक है अभी ना उसमें हम लोग गर्म रेगिस्तान की बात, इसकी बात कर रहे हैं। रेगिस्तान जो रेगिस्तान का सीधा सा मतलब होता है जहाँ पे पानी नहीं होता है और वहाँ कोई फसल का कोई अंश नहीं होता है, ठीक है। अब ये ऐसा होता है जो पूछना चाहिए थोड़ा, फिर गर्मी क्यों, ठंडा रेगिस्तान का क्या मतलब, क्या मतलब है ठंडा रेगिस्तान का? अब तुम गर्म रेगिस्तान की बात कर रहे हो ना, ठंडा रेगिस्तान है क्या मतलब? तो ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे क्या है ना कि ठंडा का मौसम, लेकिन वहाँ पे पेड़ नहीं हो रहा, तो ठंडा रेगिस्तान हो गया। गर्म रेगिस्तान जैसे अपने यहाँ थार है इंडिया में, राजस्थान में, ये राजस्थान का ये जो इलाका है ना, उसे थार रेगिस्तान का इलाका, वहाँ पे बालू ही बालू। तो ठंडा रेगिस्तान में नहीं गिरता है बालू, वहाँ भी बालू रहेगा लेकिन वहाँ गर्मी का मौसम नहीं रहेगा, वो ठंडा का मौसम। क्यों? मतलब ऐसा है, सुनो बता रहे। देखो ठंडा गर्म का क्या कंसेप्ट बताया अभी, हाँ मतलब ऐसा रेगिस्तान जो जिसमत के आस पास है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र गर्म, चाहे वहाँ रेगिस्तान हो या कुछ भी हो, इसके ऊपर जो भी अगर कोई क्षेत्र है तो वो उसमें हम बताएंगे अभी, उसको पढ़ाएंगे। तो अभी बहुत सारा पॉइंट इसमें हमको पढ़ना है, तो उससे हम लोग अभी बात करेंगे अभी। तो ये बात हो गया, आगे देखो। विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है अफ्रीका से होकर गुजरती है, तो क्या लिखेंगे? विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। कहाँ था, कितना नंबर पॉइंट था? विश्व की सबसे लंबी नदी तीसरा का पांचवा पॉइंट, तीसरा का पांचवा पॉइंट ऐड कर दो। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है या अफ्रीका से होकर गुजरती है? सबसे लंबा नदी, तो देखो क्वेश्चन एक आ गया, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? नील नदी। नील नदी कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो विश्व का सबसे लंबा नदी, विश्व का सबसे लंबा, सबसे लंबा नदी कौन सा है? नील नदी। नदी का नी अल्लाह नील, नील नदी कहाँ पे है? अफ्रीका में। अफ्रीका में ऐसे लिखो या अफ्रीका होकर गुजरती है, तो एक्चुअली क्या है ना कि कुछ नदियाँ बहुत बड़ी होती है, तो ये अफ्रीका में है, ये एक्चुअली ये पूरा अफ्रीका में है, तो इसलिए बोलते हैं कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। फोटो दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ ऐसे, इसमें हम थोड़ा और मैप पे बात बताएंगे। ये देखो ऐसे करके दिया हुआ है कि ये पूरा पूरा नील नदी है, तो ये अफ्रीका में है, इसमें नदी वाला नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये फिजिकल मैप नहीं है। मैप दो प्रकार का होता है, मतलब तीन प्रकार का मैप होता है। तुम ये तो बताओ कि तीन मैप कौन कौन सा होता है? नक्शा, तीन तरह का नक्शा। पहले बोलो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, दूसरा ऐसा महाद्वीप है जिसमें जिसे होकर कर्क विषुवत मकर तीन रेखाएं गुजरती है। बोलो जिसका सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्या हुआ, क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे है? बोलो मानचित्र कितने हैं? तीन। बिल्कुल किताब होता है मैंने, कौन कौन टाइप का होता है अंजलि बताओ? राजनीति, हाँ ये सब बच्चा वाला है, लल्लू पंजू, अभी तो कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, छठा का है किताब। फिजिकल यानी भौतिक मैप, सुनो सुन लो, गप मत करो, भाई बता रहे हैं ना, फिजिकल मैप मतलब ऐसा नक्शा। देखो इसमें तो सिर्फ अभी पूरा देश ही देश दिख रहा है हमको, देश या जगह को दर्शाता है उस तरह के मैप, तो हम लोग राजनीतिक मैप करते हैं। राजनीतिक देखो अभी थोड़ा हम लोग क्या है ना कि अभी हम लोग टर्म को अभी पढ़े नहीं अच्छे, जैसे राजनीति का क्या मतलब है ये सब पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग में आने लगता है। राजनीति का मतलब है कि सिर्फ नक्शा के रूप में
जब हम कोई चीज दर्शाते हैं तो उसको राजनीतिक मैप बोलते हैं। सब देश का नक्शा है इसलिए राजनीतिक मैप है, ठीक है। अब क्या है कि जब हम फिजिकल मैप की बात करें, भौतिक मैप की बात करेंगे, इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं मैप है। हम एटलस कल नहीं लाए, कल दिखा दें, उसमें सिर्फ जैसे नदी पहाड़ इत्यादि चीजें का दर्शाता है, तो वो सिर्फ भौतिक मैप। थीमेटिक मैप होता है, देखो थीम का मतलब होता है कोई एक विषय, पूरा इसलिए इंग्लिश सीखना, ये सब इंग्लिश शब्द है थीमेटिक, देखो थीमेटिक, ये इंग्लिश में हिंदी में भी यही हो जाता है थीमेटिक। इसका इसको ऐसे एक्चुअली यहाँ से आया शब्द, थीम से आया है, थीम से आया है थीमेटिक, यानी ये एडवर्ब है। क्या एडवर्ब है इसका, क्या होता है एडवर्ब? निशा तुम पढ़ी हो ना, पढ़ी हो एडवर्ब? क्या एडवर्ब तुम्हारे ऊपर अभी लगेगा क्लास, जो पढ़ लेता है उसका तो और क्लास लगता है। ये थीम से बनाया थीमेटिक, मतलब ऐसा जैसे देखो इसी से, मतलब एडवर्ब का बाद बताया क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है, विशेषण क्रिया विशेषण, इसी से शब्द आया थीमेटिक। क्या आया? थीमेटिक। तो थीम, थीम मतलब होता है एक कोई विषय, क्या होता है विषय, विषय ये लिखते जाओ तुम, थीम माने क्या होता है एक कोई विषय, अब समझ में आया। इसलिए थीमेटिक मैप किसी एक ही विषय को दर्शाता है, क्या बोलते हैं ये तू समझ में आया तुमको? थीमेटिक मैप होता है किसी एक विषय पे बात करेगा, तुम चाहे कोई भी चीज ले लो, चाहे पहाड़ की एक ही दिख बताएगा, पहाड़ तो पहाड़ ही बताएगा। अगर टूरिस्ट है, टूरिस्ट मतलब क्या होता है ये भी बताया, TOURIST, टूरिस्ट मतलब क्या होता है? टूरिस्ट मतलब होता है कि जैसे क्या होता है, जब जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे कोई घूमने के लिए कहीं जाता है, क्या बोले तो सब रूप दिमाग हिंदी उतर दे, नहीं टूरिस्ट मतलब जो घूमने के लिए जाता है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस जैसे हो गए, मतलब कोई घूमने वाला जगह इंपॉर्टेंट जगह सब होता है उसको टूरिस्ट प्लेस बोलते हैं, हिंदी मुझे बड़ा दिमाग। हाँ, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जैसे कि हम किसी रोड को दिखा दिए स्पेशल किसी गांव का, तो थीमेटिक मैप है किसी एक थीम पे, एक या दो थीम पे हम लोग बात करें। इसलिए मोटा मोटी तीन तरह का मैप, एक फिजिकल मैप जिसमें पहाड़ दिखाएगा, अभी थोड़ा और पढ़ाएंगे ना तभी आएगा, उस तरह से नदी को दिखाएगा इस तरीके से, तो ये मैप का मोटा मोटी तीन प्रारूप होता है। तो ये तो थोड़ा सा पढ़ा करो, अभी नहीं पढ़ोगे ना, सड़क मानचित्र वर्षा मानचित्र, हाँ मतलब कोई भी एक इसमें एक दो करके जो ऑप्शन होता है हो गया। अफ्रीका में बात कर ली, नील नदी, हाँ अफ्रीका हमारे देखिए बताइए, कर्क रेखा मकर रेखा, अच्छा एक क्वेश्चन ये और भी आता है लेकिन इसमें बाद में लिखाएंगे कि अब जब देखो क्वेश्चन कैसे डिफर करता है बता रहा। अब जैसे अफ्रीका महादेश बंधन क्या हुआ, जैसे अफ्रीका महादेश है, ठीक है, अफ्रीका महादेश से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन कौन देश से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, या विषुवत रेखा मकर रेखा, इसमें बहुत सारा देश है उसमें भी हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में आता है ना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अभी तो क्लास सिक्स में पढ़ लिए ये इससे कर्क रेखा, देखो ये तो देखो कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, अभी तुम छठा में हो ये पढ़ लिए, ये इसको देखो सिक्स क्लास जो है ना ये ओवा है ज्योग्राफी के लिए, अभी क्या है हम लोग ओवा पढ़ रहे हैं, और ओया आ नहीं आएगा कैसे नाम लिखो, नीतू बोले नीतू क्या होता है, नो क्या होता है, नो तो तुम थोड़े नामे नहीं सुने थे, तो नीतू के लिखने के लिए हमको एन या नो चाहिए ना, ऐसे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमको मैप ये सब चीज़ पता होना चाहिए, सब मज़ा आता है पढ़ने, ये तो फिर बोरिंग लगेगा पढ़ने में, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जैसे हम अभी क्या बात कर रहे थे, तो जैसे अभी देखो चर्चा हो गया, अभी कितना क्या चैप्टर है, छठा चैप्टर पर आ गया ना, निपतवा चैप्टर, तो हम बात कर रहे हैं तो हमको पता जैसे कि कैसे पता चला, जब विषुवत रेखा कर्क रेखा मकर रेखा भूमध्य रेखा ये सब पढ़े तब ना पता है इसके बारे में, और तुम लोग ऐसे मत सोचना मुंह देखना है क्या तिस्मार खान बता रहे हैं, हम तीन चार दिन बता दिए कि पूरा ये पृथ्वी है इसको बीचों बीच से बांटता है, इसको कौन रेखा बोलते हैं बताओ, उनको तुम तो नोट भी बनाई हो ना, क्या नाम है इसका, कर्क रेखा है, तुम बताओ क्या इस रेखा का क्या नाम है, तो 23.5 डिग्री ऊपर से जाती है, हाँ तुम बताओ ये 23.5 डिग्री नीचे से, थोड़ा पढ़ा करो जो नोट बनाई हो, ये साउथ में है दक्षिण में क्या नाम इसका, ये नॉर्थ में मकर रेखा, बताया तुमको पूछा पूछी मत करना, तो ये बात इसीलिए ये इसका मतलब ये ऐसे ये बना हुआ अफ्रीका महादेश, इसमें तीनों रेखा, ये कैसे पता करेंगे, तो ये रटा नहीं मारना,
इसमें तुमको क्या करना है अभ्यास करा, जैसे ही खत्म क्लास खत्म हुआ ये देख लो ये जीरो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये कितना है 20 है ना, तो 20 के नीचे ये देखो 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री देखो इससे होकर गुजरती है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ये नहीं, हमको मैप अभी देखते नहीं है, तो हम लोग रटते रहते हैं झूल झूल के रटते रहो, तो कभी नहीं याद होगा जिंदगी में। तो आप आ जाओ उत्तरी अमेरिका या उत्तर अमेरिका, क्या है उत्तर अमेरिका, लेफ्ट साइडिंग है उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका कितना छठा नंबर था तो ऐड कर देना, उत्तर क्या जमा नंबर पर रहे थे उत्तर अमेरिका, कौन बताया उसमें उत्तरी अमेरिका कौन सा है तुम बताओ अंशु, कौन सा पीला, हाँ जी ठीक है, इसमें तुम मारने के लिए नहीं स्टिक लेने कहा स्टिक कहा ये दो मैप के पीछे में इस साइड से अच्छा यहाँ पे होगा वो ये पहले रखा है तो क्या ये जो है तुम कौन सा बोले पीला वाला ये ऊपर ये वाला हाँ, ये जो है इसीलिए तो हम तुमको स्टेप याद है, ये नहीं है उत्तरी अमेरिका, सिर्फ पीला वाला नहीं है उत्तरी अमेरिका, कौन बताएगा उत्तरी अमेरिका कौन कौन दिख रहा था उसी जैसे अच्छा यहाँ पे कुछ था उसे सपोर्टर अच्छा नहीं था अच्छा उसने लगाए थे इसको अलग से एक अलग से यहाँ पर रखा ताकि ये वाला दिख जाए, हाँ उत्तरी अमेरिका बताओ किसको पता है उत्तरी अमेरिका कौन है, ग्रीन वाला भी है ये पूरा हाँ दिख रहा नहीं था, खड़े हो जाओ बंदर के अंदर नहीं है सब सही कह रही है, उसने बताया था ना देखो समझ ये पूरा का पूरा यहाँ से जो है ना ये पूरा का पूरा जो है ना ये ग्रीनलैंड भी ये पूरा का पूरा जो है उत्तरी अमेरिका में आता है, क्या आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है कुछ सवाल नहीं। और ये जो नीचे वाला है ना यहाँ पे ये पनामा जहाज पे जगह है, ये इस पे क्वेश्चन भी आता है पनामा नहर जहाँ पे होता है इससे पूरा ये जो नीचे है पूरा ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है वंदन ये जो है ये पनामा के पास एक नहर है इसमें क्वेश्चन भी आता है ज्योग्राफी में, तो ये जो इतना जो ये वाला बात है दक्षिण अमेरिका ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक काजल तुम बताओ इसका काम नाम क्यों नहीं रखते दक्षिण अमेरिका और इसका नाम उत्तरी अमेरिका रख देते क्या दिक्कत, उल्टा ही बोल देते इसका मतलब उल्टा नाम रख देते तो क्या दिक्कत, इसका नाम उत्तरी अमेरिका रख देते इसका दक्षिण अमेरिका तो क्या दिक्कत, ये इसी का नाम है कंट्री समझे अनिता देख रही हो, बंधन बंधन में तो पता है थोड़ा दिन क्लास ये तू तो समझ रही हो हम क्या पूछे अभी, ये तो सबको पता होना चाहिए कॉमन बात है, नीतू तो पढ़वो की है नीतू बताएगी ये तो मार लगेगा तुमको, इसका नाम उत्तरी अमेरिका क्यों नहीं रख दिए, इसका नाम उत्तरी अमेरिका रख देते इसका दक्षिण अमेरिका रखते क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं क्यों ऐसा नाम होता है क्या क्या तर्क हो सकता है, सबसे सोचो तो पर आगे लिखते विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप लिख लो विश्व का तीसरा लिखते जाओ सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है जिसका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, चलो दूसरा पॉइंट
स्थिति स्थिति समझा दे, स्थिति का क्या मतलब है? स्थिति का मतलब क्या होगा कि उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी और कैसा है पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में इसका फैलाव है। मैंने स्थिति स्थिति का मतलब कहाँ पे है ये बताते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट पॉइंट जिससे क्वेश्चन आता है इसमें टिक कर लेना। उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ठीक है वो कौन जोड़ता है? ठीक है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला बिंदु का क्या नाम है? उत्तरी अमेरिका अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अमेरिका को जोड़ने वाले बिंदु को जोड़ने वाले बिंदु को जोड़ने वाले बिंदु जिसने लागे को जोड़ने वाले बिंदु बिंदु का नाम पनामा पनामा स्थल संधि है। बताएंगे ये स्थल संधि क्या होता है? पनामा बिंदु का नाम क्या है? स्थल सॉरी पनामा स्थल संधि पनामा पनामा स्थल 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 संधि संधि में समझाते हैं क्या होता है संधि पनामा स्थल संधि है। क्या समझते हैं ये लाइन? उत्तरी अमेरिका समझा देते हैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को क्या लिखा गया उत्तरी और हाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वो ये गोलार्ध यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाले बिंदु का नाम पनामा स्थल संधि ठीक है पनामा स्थल अब समझा सकते हैं क्या समझ में आया क्या बोले ऊपर से मिटाएंगे फिर लिखेंगे ना भैया बोलते ना नहीं तीन नंबर कैसे मिटाते छोटा बोल रहे हैं ना बड़ा बोल रहा है एक महीना और ये समझ तो ग्रीन है पे रुक जाओ तू कोई बात नहीं सुनो लिख ले अब क्या है क्या हुआ है अब जल्दी आगे भी लिखाना है छोड़ रुक जाओ दो मिनट अब समझ लो ये जो है चलो पहला ही क्वेश्चन का जवाब सुन लो तुम्हारा दिमाग में आया तब तक अभी हिंट भी दे दिया तुम बताओ वो लोग तो शायद नहीं पढ़ी हो तुमको पढ़ी हो तुमको तो आना चाहिए इसका जवाब बंधन बताओ कहाँ क्या कर रहे हैं ये पूछे थे ना कि इसका नाम उत्तरी और पश्चिम क्यों है अच्छा ये बोले इसका नाम बदल देंगे क्या तक रहा होगा ना उत्तर नाम बदल के क्यों नहीं रख सकते क्योंकि वो उत्तरी अमेरिका उत्तर में है दक्षिण अमेरिका दक्षिण में है सिंपल बात क्या है कि ये देखो इसे कैसे चेक करते हैं ये तो तुम उठो यहाँ हमको आगे बताओ कैसे चेक करेंगे कि ये उत्तर में जाओ यहाँ आके सबको समझाओ ऐसे नहीं काम करेगा दिमाग लगाना पड़ेगा या दो मिनट जल्दी जल्दी समझा दो ये हम क्या क्वेश्चन पूछ ये कह रही है उत्तर में है उत्तरी अमेरिका तो कैसे डिसाइड करेंगे कि उत्तर में कहाँ जीरो डिग्री ये है जीरो डिग्री क्लास खत्म होते पूरे पूरे सब इसको देखना ये जीरो है तो ये इसके ऊपर में है ना सब लोग देखो ये जीरो डिग्री ये रेखा है पूरा यहाँ यहाँ से जो भी है सब ऊपर में तो ये उत्तरी अमेरिका और ये नीचे है तो दक्षिण है
और क्या बोलते हैं इस पृथ्वी में तुम जाओ, ये जीरो वाला है रेखा, भूमध्य रेखा, इससे ऊपर क्या है उत्तर, इससे नीचे क्या है दक्षिण, इससे ऊपर, इसीलिए इसका नाम उत्तरी अमेरिका रखा, ठीक है ये कर सकते। हाँ अब दूसरा क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे पनामा, अब होता क्या है दो टर्म आता है, जल संधि स्थान संधि, जल संधि सुनो ध्यान से, जल संधि और स्थल संधि, स्थल संधि। तो चुकी देखो संधि माने क्या होता है, तो अभी तुम मत बोलो, तुम बताओ संधि का क्या मतलब, संधि कुछ नहीं बता, तुम दादा चांद संधि नहीं पढ़ी कभी, क्या होता है संधि, हाँ कुछ भी बताओ ना, संधि अलग होता है, विच्छेद अलग होता है, दोनों अलग पढ़ा है, तुम सब समझाओ संधि का क्या मतलब है, तुम बताओ नीतू, संधि नहीं पढ़ी कभी, चलो तुम्हारा नंबर आंदी जी बताओ संधि का क्या मतलब है, संधि ऐसे ही सिखा जाता है, ट्राई करो नहीं होगा, बताओ निशा बताओ संधि का क्या मतलब है, जगह संधि मतलब एक साथ, हाँ संधि मैंने क्या करते हैं जोड़ते, ऐसे देखो डरा नहीं करो, थोड़ा दिमाग लगा तबे सीखोगे, ठीक है ना, हर चीज ऐसा थोड़ा है कि हर चीज तुम एक एक वर्ड तुमको बताएंगे, संधि माने जोर होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं दो चीज पढ़ते हैं संधि और संधि विच्छेद, जब हम व्याकरण की बात करते हैं ये बात समझो, तो दो चीज हम लोग वहां पढ़ते हैं, एक संधि और एक संधि विच्छेद, ठीक है, जब पढ़ते हैं विद्या जो आल है विद्यालय हो गया, अब विद्यालय का बोलेगा संधि विच्छेद करना है, तो विद्या प्लस आलय विद्यालय हो गया, तो दो चीज हो गया, एक तो संधि करना, तो हम एक बोलेगा कि विद्या प्लस आलय, आलय मैंने घर होता है ये बताएंगे, तो विद्या प्लस आलय तो विद्यालय हो गया, ये क्या हो गया संधि, दोनों को मिला दी संधि, जब इसको अलग करना होगा तो विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब तो अलग करना, लिख लो यहाँ पे साइड में, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं इंग्लिश में संधि का क्या मतलब होता है, संधि मतलब जोड़ना, चलो अब समझाते हैं स्थल मंडल और जल मंडल में क्या अंतर, अब इतना पढ़ाते हैं सब भी तुम लोग याद नहीं करते, बड़ा गुस्सा आता है, कॉपी रिवाइज किया सब तुमको नहीं था, रिवाइज किया करो कॉपी सब लोग, हाँ देखो जैसा कि नाम से पता चलता है स्थल संधि और जल संधि, तो जब क्या हुआ आपको उसको रखो, क्यों गजब सिस्टम है यार तुम लोगों का, घर में क्लास होता अंतर ही नहीं है, इसका जरूरत है चुपचाप रखो, ब्रेक होगा तब ले अपना, स्थल और संधि, स्थल और संधि, ठीक है स्थल संधि, संधि माने क्या स्थल को जोड़ेगा, संधि माने क्या होता है जोर, तो वो ऐसा बिंदु जो दो जमीन को जोड़ता है उसको हम लोग स्थल बोलते हैं संधि, जैसे कि पना मतलब ऐसा अपना दिमाग होगा फिर कैसे जोड़ेगा, तो जब दो बड़ा जगह होता है ना, जैसे कि दो कोई बड़ा जगह है और यहाँ पे एक कोई और एक बड़ा जगह और यहाँ छोटा सा कोई जमीन का जोड़ा, तो इस तरह के जगह को हम लोग स्थल संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्थल संधि, और उल्टा जब कोई दो पानी वाला बिंदु होगा, ठीक है ना अभी नाम है आगे, दो पानी वाला अगर अलग अलग सागर है उसको जो जोड़ेगा कोई पतली नहर से या कोई चीज से उसको हम लोग जल संधि, तो पनामा जो है यहाँ पे अब ध्यान से देखो ये जो जगह है ना ये पनामा, ठीक है तो पनामा में नहर बनाया गया है यहाँ पे इसको पार करने के लिए, तो ये जो पनामा है ना ये दो स्थल है और एक जगह है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, तो क्या हो गया उसके लिए तो वो दोनों नाम होगा ना स्थल और संधि दोनों,
समझो इसमें एक बात क्या है ना, जो समझा रहे थे इसमें क्या है, मेन क्या है इसका, जमीन का है ना बात, वो तो बाद में नहर काट के उसको बनाया गया है ना। तो मेन क्या है ना कि ये भाग जो है इसको लिंक करता है, भाग लिंक करता है। हालांकि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, हमारा बात ठीक है, अगर पतली कोई ऐसा जगह इसमें थोड़ा गौर नहीं किया तो बता देंगे उसपे। तो ये अगर अगर हम दो बड़े अगर समुद्र के हिसाब से देखें तो उसको वो लिंक करता है, ठीक है, उसे चर्चा कर लेंगे। तो मतलब मोटा मोटी ये है कि दो जमीन के भाग को हम लोग बांट लिए, ये जल संधि, ये पनामा संधि हो गया, और इस तरह का है इसका फल। हाँ आगे क्या है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग लिख लो, अगला है दक्षिण अमेरिका। अच्छा उसका है देखो, उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं तो नॉर्थ अमेरिका लिख लो, नॉर्थ अमेरिका, जिसको इतना थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखने का मन होगा, नॉर्थ अमेरिका। अब लिख लो दक्षिण अमेरिका, समझ है, पचमा था ना, नहीं छठा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका, क्या लिखना है, साउथ अमेरिका। तो सात एमपी में है ना, सात दक्षिण अफ्रीका है, अभी ऑस्ट्रेलिया पांच में है, तो ये कर लिए, इसको क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका, क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका। अब कर लो आगे, ठीक है, साउथ अमेरिका। अब क्या इसमें जो समझना है बात, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है ना, इसमें क्या है, तो देखो जैसे इसमें आप ठंडा है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है तो कुछ भाग इसका ऊपर में, ठीक है, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि जहाँ पे अधिकांश की बात हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता कि, लेकिन हम समझा देते हैं, इसमें लिखा अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, क्यों, क्योंकि ये जो है इसके जीरो विषुवत रेखा से मिलते हैं, ये पॉइंट जोड़ना हमको जो काम का इसमें पॉइंट जोड़ना है। इसके पूर्व और पश्चिम में दो महासागर स्थित है, अच्छा ये तो कोई बात है कि, अब ये देखो इसके पूर्व में, क्योंकि ये एग्जैक्ट है, अब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, देखो क्वेश्चन कहाँ से पढ़ो कि ये जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है इसके पूर्व में कौन सा महासागर, ठीक है, मैं आपसे जैसे क्वेश्चन बनाना होता है ना डी एल एड सब में बच्चे सबके लिए, सी टैट में, तो क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वन से आठ ही दस होता है, ये पूरा दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में और पश्चिम में कौन दो बड़े बड़े महासागर है, ठीक है, आज जैसे भारत के संबंध में पूछ दिया तो भारत के नीचे में कौन कौन सा महासागर, तो अभी और चर्चा अभी बता देते हैं, क्योंकि चर्चा हुआ तो बाकी और आगे चर्चा होगा तो बताएंगे ही। तो चूंकि ये दक्षिणी अमेरिका है, इसमें नाम दक्षिणी अंध महासागर है, तो अंध हिंदी में शायद बोलते होंगे, ये अटलांटिक है, फिर तो क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक है, तो ये देखो, अच्छा इसको क्या बोलेंगे तुम बताओ, लिखो, उठो, ये पूरब है कि ये पूरब है, जो क्वेश्चन आएगा तो फंसेगा ना, ये वाला पूरब है कि ये पूरब है, ये सुनो क्वेश्चन समझो ध्यान, ये वाला पूरब है कि ये वाला पूरब है, ये पूरब है, ये कितना है, दक्षिण है, दोनों तो पूरा हो, ये एक सवाल बताए, ये पूरा मैप है उसमें नॉर्थ ये होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, बताओ यहाँ हम खड़े हैं ना, ठीक है, अगर मैप में कहीं अगर हम पूछे यहाँ से किसके लिए पूछ रहे हैं, बैठो तुम दक्षिण अमेरिका के लिए पूछ रहे हैं, ये पूरब साइड है और ये पश्चिम साइड है, इसके नीचे जो होगा वो दक्षिण साइड, इसके ऊपर उत्तर साइड, पूरा जो है, देखो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक रेफरेंस पॉइंट मतलब एक कोई बिंदु होता है जहां से हम पूछ रहे हैं, तो हम दक्षिण अमेरिका से बात करें तो दक्षिण अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर है, कैसा महासागर है, अटलांटिक, और दक्षिण में अति सॉरी पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर, ठीक है, चूंकि एक क्वेश्चन और, चूंकि ये दोनों महासागर दो दो गए, जैसे उत्तरी प्रशांत दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक, इसीलिए अगर और थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन बनाएगा ये कह देगा कि भाई उत्तरी अटलांटिक की दक्षिणी अटलांटिक, अटलांटिक या उत्तरी प्रशांत की दक्षिणी प्रशांत,
इसीलिए हमको मैप का ज्ञान होना चाहिए, हमको पता रहेगा कि दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है तो आराम से जवाब दे देंगे। दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी प्रशांत महासागर ऐसे करके हमको समझना होता है, ठीक है। हाँ, तो चार सा पॉइंट जो रहे थे, एंडीज पर्वत का पॉइंट जो रहे, ये समझा दिया। हाँ, विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत यहीं पे है। क्या क्या लिखेंगे? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, क्या पर्वत श्रृंखला समझा देते हैं क्या होता है पर्वत श्रृंखला। इसके सबसे पर्वत बड़ी पर्वत श्रृंखला यहाँ से डैश दे दो एंडीज, क्या नाम है इसका? एंडीज, हाँ एंडीज। ये कहाँ पे है? एंडीज, एंडीज कॉमा देके लिख सकते हो, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ऐसा है, हम समझा रहे थोड़ा मैप का सहारा लेते हैं, दोस्तों तो कितना बड़ा। अच्छा एक ही समझा देते पहले, लिख लिए। एक टर्म आता है ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत, तुम नीतू बताओ, नहीं नीतू आप चांदनी बताओ कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, क्या नाम है? लगवाए कि किताब उल्टा कौन सा उल्टा देखने नहीं थे। हाँ मॉन्टू था, हाँ तो कैसे, तो इसका कॉपी देखी ही नहीं तुम लोग, दोबारा कॉपी नहीं ना देखती हो जाए घर पे, क्या तुम लोग का प्रॉब्लम होता, ऐसे नहीं पढ़ाया होगा। एक तो ऑलरेडी स्लो चल रहा था तो, पर उसमें भी नहीं पढ़ के आती है, इतना धीरे नहीं पढ़ाना है तो एक 200 साल पढ़ते रहो। ऊंचा पर्वत का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। तुम बताओ ऊंचाई कितनी है इसकी? 8848 मीटर। ज्योग्राफी में आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो क्या करोगे, इसकी अलग से फिर याद करोगे बैठ के झूल के। और तुम बताओ, ये तो तुम जो क्लास छोड़ी तो नोट बनाई है? हम बना देंगे तुम्हारे बदले नोट। अंशु बताओ सबसे गहरा जगह कौन है पृथ्वी पर? हाँ गहरा बिंदु कौन सा है? सबसे बड़ी लिखना विश्व, हाँ बताओ तब लिखेंगे। क्या कभी क्वेश्चन पूछे था सबसे गहरा जगह? तुम क्या कॉपी उल्टा रही है? तो क्या है, तब क्या कॉपी उल्टा? अरे क्या करते हो, हर दिन खाने बनाती हो तो बिना कॉपी कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा देगा ना, कॉपी देखे नहीं काम होगा, फिर मारने वाला ऑप्शन लगा दो, यानी तो दौड़ाने वाला नहीं तो झाड़ू मारने वाला। मेरा मूड खत्म हो गया, पूछो नहीं दोबारा, कॉपी देखना ही नहीं है दोबारा। वो तो कितना भी टीचर पढ़ा देगा तो कुछ नहीं आएगा, क्या बंधन, क्या नाम है? मेरियाना। अंजलि बताओ क्या कितना है इसका? 11,000। ये क्वेश्चन सब आता है हर एग्जाम में, समझे ना?
ये मीटर में है, किलोमीटर मत लिखना। तो विश्व का सबसे बड़ी नदी, देखो कितना फैक्टफुल ये एक एक ये सारा जो लिखा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन है अपने आप में, इसके लिए कितना समझा रहे हैं। और ये क्वेश्चन इस समझा इसलिए रहे ना ताकि याद रहे, तो डायरेक्ट याद करवा देते, लुसेंट लाते पढ़ा देते, इतना क्यों भोंक रहे, ताकि ये याद हो जाए तुमको जल्दी जल्दी, तुम कुछ पढ़वे नहीं करते घर पे जा। हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी, अभी अभी क्वेश्चन नहीं पूछा, लिखना है विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, लंबी नदी, ठीक है, अमेजन, क्या नाम है विश्व की सबसे लंबी लंबी नदी, अमेजन नदी, यहाँ पे ऐसे डैश ले लो, अमेजन, 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 जिससे हम लोग कपड़ा मंगाते हैं वही वाला अमेजन, अमेजन नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है, अमेरिका में है। गुड़िया के लिए क्या बेस्ट करेगा, पूजा ये दो अभी है इसका तत्काल से समझ लो, तो और भी क्वेश्चन है लेकिन अभी दो उन पर टाइम। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑस्ट्रेलिया, वही पॉइंट ही है सर, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इतना इतना ही मत सोचना, इतना ही काम चल जाएगा, ये तो लॉलीपॉप सब है, लॉलीपॉप खाओ तब तक बच्चा सब खुश करने के लिए, नंबर इससे काम नहीं चलेगा तुम लोगों को। और इसलिए ये बता रहे हैं ना, कभी सोचो इतना भी नहीं याद होता है, और ये बहुत सारा फैक्ट याद करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अब हुआ छठा, ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को इंग्लिश में इंग्लैंड कहते हैं, कौन बोला इंग्लैंड, बंदा पहला पॉइंट, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, तो जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तुम रवि मत बोलना, तुम बता चांदी, सबसे बड़ा महाद्वीप का क्या नाम है, देखते तुम लोगों का कैसा हाल है, तुम लोगों को चाहिए मत झूल झूल कर रखना पड़ता है, इसीलिए छोटा सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तुमने कॉपी उल्टा आकर बोलते देखते ना करते, तुम ईमानदारी से कुछ बताओ, कॉपी जाकर देखते हो घर पे, जो कॉपी देखे उसका ये हाल है, अभी तो दसों को पॉइंट नहीं है, अभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो कैसे याद होगा, सबसे पापू जी को वीडियो भेजते हैं, ये में से पढ़े भी नहीं करते, सबसे छोटा महाद्वीप, अच्छे फिर बाबू जी डिसाइड करेंगे फिर सबको क्या किया जाए, दोहराया जाए कि झाड़ू लगाया जाए कि मारा जाए, सबसे छोटा महाद्वीप। देखो भले तुमको जो पूछना है पूछ लो, ये इतना समय क्यों देते हैं, ये लिखे छोटा क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, लेकिन हमको याद चाहिए, ठीक है ना, समय का देने का क्या मतलब है, क्या हुआ इसका मतलब, ये सबसे छोटा महाद्वीप है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से, ये जो ऑस्ट्रेलिया देखो ये क्यों इतना बड़ा मैप रखे हैं सामने, ये देखो कितना छोटा है, देखने में है ना छोटा, तो ये सीधा सा बात है क्वेश्चन कि सबसे छोटा महाद्वीप, महाद्वीप क्यों है, द्वीप क्या होता है, क्या होता है द्वीप, हाँ क्या होता था द्वीप बताए थे ना, अगर द्वीप क्या होता है, बताओ द्वीप क्या बताए थे, दक्षिण
पूरी तरह। हाँ क्या बोले थे सुमता बंधन क्या है जी? हाँ युद्ध ये होता है कि चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ हो जो बीच में स्थल होता है उसे द्वीप कहा जाता है। हाँ ये बात बोलना था। द्वीप का क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई जगह ऐसे ऐसे तुम उसको बीच समुद्र में छोड़ दे पूरा पानी ही पानी उसको द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप। जब बहुत सारा द्वीप एक साथ मिल जाता है तो महाद्वीप है। ठीक है कॉपी तुम लोग देखती नहीं हो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। जैसे कि टापू होता है वो हो सकता है ना? हाँ वही होता है टापू को ही बोलते हैं। छोटा टापू छोटा जगह होता है द्वीप में थोड़ा बड़ा जगह होता है। बात वही है टापू ही है। ज्योग्राफी में नम्मा में ये सब स्पेशल परिभाषा है सब सब कभी फिर से आएगा ना तो सब पे चर्चा करेंगे। द्वीप डेल्टा मुहाना मतलब सब पे होता है चर्चा। उद्गम स्थल उस पर बात होगा अलग से वो नाइन्थ के ज्योग्राफी में। अभी ये सिर्फ बताओ ये सब सब नहीं पढ़ती हो तो कैसे उस टाइम तक याद रहेगा? एक दो महीने के बाद कुछ याद रहेगा सब खेती हो जाएगा। दो ही पॉइंट याद करना पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जीतू को लगाना ही पड़ेगा अंटार्कटिका। हाथों से किताब दे देंगे ये सबसे पहला बात कि दक्षिण ध्रुव में है ये कहाँ पे है? दक्षिण ध्रुव के पास है। दक्षिण ध्रुव पास पड़ता है ये पास है वाला पॉइंट इसी में आगे जो इसीलिए क्योंकि दक्षिण ध्रुव के पास इसीलिए इसमें इसलिए हमेशा बर्फ रहता है इसलिए हमेशा बर्फ से ढका रहता है हमेशा बर्फ हमेशा मोटी बर्फ या बर्फ बर्फ नहीं दिख रहा है बर्फ से ढका ढका रहता है। समय पॉइंट क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव क्या लिखा गया ये भगवान ध्रुव दक्षिण ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ऐसे लिख लो दक्षिणी ध्रुव के पास है इसीलिए क्या होता है ये हमेशा बर्फ से ढका होता है। क्या होता है तो लिखा गया ढका होता है क्या ढका रहता है बर्फ के परतों से ढका रहता है। अरे कुछ समझ में इसका क्या कौन मतलब समझा देखो चूंकि यहाँ पे बर्फ से ढका होता है ये देखो ये जो जगह है लास्ट पॉइंट है ये जो जगह है नहीं जाता इसीलिए वहाँ पे धूप नहीं जाता इसलिए हाँ ये अब समझा देते हैं ये क्या है जो दिन रात का जो ठंडा पड़े तो ना ये बात ये पूरा का पूरा इसका ऐसा खेल है कि जहाँ पे सूर्य होगा इसे कहते हैं ठंड में हमको धूप नहीं मिलता ठंडा है ठंडा लग रहा है ठंडा लग रहा है तो ये क्या है कि जैसे कि देखो सूर्य इसमें ऐसे है कि ये जैसे अंशु सूर्य है और पृथ्वी ऐसे इसमें घूम है। ठीक है तो अब इसमें क्या है ना कि ये गोल है तो ये जो चाहे तो ये जो यहाँ वाला जो जगह है इसमें बिल्कुल धूप नहीं लगे और जो सबसे नीचे जो है यहाँ पे धूप तो ये अंटार्कटिका है देखो कभी आएगा इससे धूप ये वाला जो जगह है उजला वाला है ना तो ऐसे आता है इसमें धूप लगवा आता ही नहीं पूरा बर्फ से ढका होता है। क्या है बर्फ से ढका क्योंकि बर्फ से ढका है धूप आता नहीं है तो लोग यहाँ पे रहता ही नहीं आदमी का क्या है आदमी नहीं रहता आदमी नहीं रहता इसलिए क्या है एक चीज अच्छा हुआ है कि फुलपाती आदमी सब कोई नहीं है तो वहाँ पे शोध केंद्र है। क्या है शोध केंद्र शोध केंद्र क्या होता है रिसर्च सेंटर। रिसर्च मतलब जैसे हमको कोई चीज करना हो उसमें कोई कोई पाती आदमी उसमें
कोई छेड़खानी नहीं करे, तो उस तरह के चीजों को हम लोग सोल सेंटर कहते हैं। ठीक है, कोई साइंटिस्ट हो गया पागला, उसको कनिया उनिया भगा दी, चल गई थी रिसर्च करने वहाँ पे, तो कोई खोजने वाला नहीं होगा, एकदम शांत जगह पे ऐसा जगह होता है कि उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, मार दे तो उसके लिए जुगाड़ रहता है ना। कैसे एसी रूम में हो रहा, तो कहने वाला ऐसा जगह जहाँ पे कोई मानव का वो इंटरफेरेंस नहीं, मतलब एकदम शांत, कोई है ही नहीं वहाँ, कोई जाएगा नहीं। तो इसीलिए क्या है, कोई मानव का स्थायी निवास नहीं है और वहाँ पे सोल सेंटर है। क्या कहेंगे, मानव का स्थायी निवास नहीं, मानव वैसे इस पे कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन याद करने के, क्योंकि देखो यहाँ पे बर्फ होता है, बर्फ भी बर्फ है, इसलिए मानव का कोई स्थायी निवास नहीं। यहाँ क्या लिखे रहे थे, इसका सबसे कहाँ तक लिखे थे, लास्ट पॉइंट बताओ, तो एक आदमी उसको बताओ लास्ट पॉइंट क्या था, मानव का स्थायी निवास नहीं होना, स्थायी निवास निवास नहीं होना, क्या होगा, स्थायी निवास नहीं होना। ठीक है, मानव का कोई स्थायी निवास नहीं होगा, और क्योंकि मानव नहीं रहता है वहां पे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इसलिए वहां पे रिसर्च स्टेशन है, क्या है, शोध केंद्र है, क्या है, शोध केंद्र। तो हमको कम से कम भारत के शोध केंद्र का नाम पूछना चाहिए, ठीक है, भारत के भी शोध केंद्र, तो भारत का शोध केंद्र, ठीक है, भारत का रिसर्च स्टेशन का बोलते हैं शोध केंद्र, शोध है शोध केंद्र, भारत का शोध केंद्र, क्या नाम है, मैत्री, मैत्री, मैत्री क्या पे, यहीं पे है, कहाँ पे है, भारत का शोध केंद्र मैत्री, तथा दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, गंगोत्री, भारत का शोध केंद्र मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री यही है, कहाँ पे है, यहीं पर है, किसके बारे में अभी लिखा रहे हैं, हाँ, ये मत सोचना ना कहाँ है, आकाश में है कि पताल में है, यहीं पर है, मतलब कहने का मत अंटार्कटिका के बारे में लिखा है। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन बताओ, क्या बोलते हुआ महाद्वीप क्यों,